अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट आईब्रो थ्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास इस टाइप की आईब्रो आती है जो कि शॉर्ट आईब्रो है, तो इसको कैसे आप लॉन्ग दिखा सकते हो? तो मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड बहुत डीप नॉलेज दूंगी इस वीडियो में। वैसे मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड, एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे जो मेरी वीडियो को वॉच करके थ्रेडिंग करना सीख रहे हैं, मुझे कमेंट करके पूछते हैं एंड मुझे बोलते हैं कि मैम इस टाइप की आईब्रो दिखाइए, उस टाइप की आईब्रो दिखाइए, तो मैं उनके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये भी रिकमेंडेड वीडियो है जो मैं मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम शॉर्ट आईब्रो को किस तरह से हम लॉन्ग दिखा सकते हैं एंड इसको किस तरह से थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये उनके ही रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो लाई हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने टैल्क अप्लाई करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि टैल्क हम अप्लाई करेंगे तो हम होगा क्या। टैल्क अप्लाई करने से हमारे जो बारीक से बारीक हेयर होते हैं ना, वो उठकर दिखने लग जाते हैं एंड जल्दी जल्दी से हमारे थ्रेड में फंसते हैं वो हेयर। उसके बाद हम ऊपर की साइड से जस्ट एक लाइन को निकालना है, जो कि लाइन हमें इतनी प्रॉपर देना है कि हमारा जो आईब्रो का शेप है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर दिखे। नेक्स्ट हम लोग, अब देखिए यहाँ पर बात आती है स्ट्रेचिंग की, तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी आईब्रो को शेप देने के लिए। हमें जैसा शेप चाहिए हम स्टार्टिंग से वैसे ही स्ट्रेचिंग करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग नीचे की साइड से जस्ट एक लाइन रिमूव करेंगे तो हमें गाइडलाइन मिल जाएगी। एक से दो हेयर निकालते हैं ना तो हमें गाइडलाइन मिल जाती है, बस उसी गाइडलाइन को लेकर आगे तक जाना होता है। अगर हमें आर शेप चाहिए तो थोड़े से डीप में जाकर हमने हेयर को निकालना होता है। वैसे अगर आप आर शेप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ जाकर उसको चेक कर ले, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। तो इसी तरह से हम पूरी थ्रेडिंग को करेंगे। फिर से अभी मुझे शेप बराबर बिल्कुल क्लियर नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर से इनको स्ट्रेचिंग करवाई और एक दो हेयर निकालूंगी ज़्यादा अंदर तक जाने की। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जो एक्स्ट्रा हेयर्स रहते ना उसको निकाल लेने का। उसके बाद हमने जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होगा तो हम लोग डीप में जाकर निकाल सकते। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं डीप में जाके निकाल रही हूँ। इस तरह से हमारे थ्रेड को शेप, थ्रेड की पोजीशन को भी चेंज करेंगे एंड अंदर की साइड से हेयर निकालेंगे। अब यहाँ पर मैं एक टेक्निक बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप बिगनर्स है, आपने स्टार्टिंग की है थ्रेडिंग करने में, तो इस तरह से लाइन क्रिएट कर ले, बिकॉज हमारी जो आईब्रो होती है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी। मोस्टली बहुत सारे बिगनर्स क्या अच्छे खासे सीखे हुए भी ऊपर नीचे कर देते हैं आईब्रो को, बट आप लोग इस टेक्निक से कीजिए, एक लाइन क्रिएट कर लीजिए, बिल्कुल भी आपकी आईब्रो ऊपर नीचे नहीं होगी। इस बात को ध्यान से इस चीज़ को देखिए। अब यहाँ पर देखिए मेरा थ्रेड, देखिए ये साइड की आईब्रो पर भी बराबर आ रहा है, ओके। उसी तरह से हम इस वाली राइट साइड की आईब्रो के हेयर निकालेंगे, ओके। देखिए मैं किस तरह से निकाल रही हूँ, ऊपर से जस्ट एक लाइन निकालना है, बस शेप देना है थ्रेड आईब्रो को एंड कोई भी एक्स्ट्रा हेयर्स कोई भी नहीं निकालना। ऊपर के साइड पे जितने हेयर्स होंगे छोटे छोटे सी जो हमें दिखते नहीं है, वो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं, तो उसको हम क्लीन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे समझाने का तरीका, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपको जो भी बोलना है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का भी सिस्टम मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है कि सीज़र को बिल्कुल स्ट्रेट रख के कटिंग करेंगे, बिल्कुल नीचे की साइड पर नहीं आना है, वरना अदरवाइज़ हमारी आईब्रो में मिस्टेक हो सकती है। देखिए, सबसे ब्यूटिशियन का सबसे मेन थिंग्स होती है ये आईब्रो थ्रेडिंग, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, इसलिए इसको सीखने में एंड एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो अब मैं इसीलिए आप जो मुझे नॉलेज है मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगती होगी मेरी वीडियोज़।
तो जल्दी जल्दी से अगर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट मेरे चैनल पर आते रहते हैं। मैं हर एक टाइप की वीडियोस लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड भी है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग उसको चेक करें एंड मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करें। एंड मेरे चैनल पर बहुत जल्दी से 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, तो थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी से प्यारे प्यारे से कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट। सो अच्छी तरह से एक एक हेयर हम लोग निकालेंगे। मैं जिस तरह से निकाल रही हूँ, थ्रेड में हेयर को फंसाना है एंड खींच लेना है। यहाँ पर राइट साइड की पोजीशन आप लोग देख सकते हैं, मैं हेड के ऊपर की साइड पर खड़ी हूँ एंड थ्रेडिंग कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड की आईब्रो हम लोग सामने की साइड से करते हैं, बनाते हैं। इसी तरह से हम लोग अच्छी तरह से पूरा क्लीन भी करते जाएंगे साथ में, एंड साथ ही साथ हम ऊपर के भी लाइन को बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन देंगे तो हमारी आईब्रो बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगी। आप लोग इसको लास्ट में देखिएगा किस टाइप का इसका शेप आया था एंड कितनी प्यारी लग रही थी आईब्रो थ्रेडिंग यहाँ पर। तो आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग ये बताइए। एंड फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो वॉच करते हो बट लाइक नहीं करते, आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने पूरा क्लीन कर लिया, उसके बाद मुझे शेप प्रॉपर नहीं लग रहा था तो फिर से मैं ऊपर की साइड पर आके एक सिंगल लाइन निकालूंगी, एक एक हेयर को करके निकालेंगे। इस टाइप से ना बिगनर्स लोग यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि एक साथ ज़्यादा हेयर निकाल देते हैं। अदरवाइज आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, एक एक हेयर करके निकालो। आप लोग अगर अभी सीख रहे हैं तो एक एक निकालो, उससे ज़्यादा नहीं निकालने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर मैं खुद आप लोगों को सिखाने के लिए मैं एक एक हेयर निकाल रही हूँ। वैसे भी मैं जल्दी जल्दबाजी नहीं करती इस काम में, बिकॉज़ ये फेस का सबसे मेन लुक होता है आईब्रो, तो इसीलिए इस काम में मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ, एक एक हेयर करके निकालती हूँ। तो देखिए इस तरह का शेप आ चुका है। आप लोगों को कैसा लगा ये, आप लोगों को कैसा लगता है तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोगों को शेप कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। तो आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की हेल्प की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। सो बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप लोगों के लिए। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लव यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।